ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड e टू द पावर x बाय 1 प्लस e टू द पावर x प्लस 2 इनटू 2 प्लस e टू द पावर x dx। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट e टू द पावर x को अगर t ले लेता हूं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में e टू द पावर x dx का dt आ गया, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x को t लिया है, t हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 2 प्लस t। हम सबसे फर्स्ट में पार्शियल फ्रैक्शन बताया था कांसेप्ट, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आसानी से बन जाएगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, क्या इतना हम लोग लिख लेंगे 1 बाय 1 प्लस t इनटू 2 प्लस t इक्वल टू दो टर्म है, तो दो टर्म है और दोनों लीनियर है, तो इसके लिए क्या फॉर्म होता है, a बाय 1 प्लस t प्लस b बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस t, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब यहां से ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा 1 बाय 1 प्लस t इनटू 2 प्लस t इक्वल टू, यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस t इनटू 2 प्लस t, 1 प्लस t कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनटू 2 प्लस t प्लस b और b कैंसिल, 2 प्लस t और 2 प्लस t कैंसिल होगा तो b इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस t। तो यहां पे डिनोमिनेटर में दोनों में डिनोमिनेटर में सेम हो जाएगा, तो अब क्या आ रहा है यहां पे तो 1 है, ये 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या है a इनटू 2 प्लस t, a इनटू 2 प्लस t प्लस b इनटू 1 प्लस t, b इनटू 1 प्लस t। अब यहां पे a और b निकालने के लिए दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर को एक बार जीरो ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर 1 प्लस t इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं तो यहां पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो 1 प्लस t जीरो ले रहे हैं तो ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा 1 इक्वल टू a इनटू 2 और t का वैल्यू क्या है -1, तो 2 minus 1 1 1 into a हो जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या आ रहा है 1, a का वैल्यू 1। तो सबसे पहले हम लोग पुट किया 1 plus t equal to 0, अब नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे पुट 2 plus t equal to 0, then t equal to क्या हो जाएगा -2। तो इस केस में जब t plus 2 equal to 0 लगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म मिलेगा, तो 1 equal to क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहां पे b into 1 और t का वैल्यू क्या है -2, तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू -b और b इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं -1, b का वैल्यू -1 हो गया। अब a और b का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंड पुट इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1, इतना टर्म को इस टर्म को हम लोग ये मानते थे तो हम लोग लिख सकते हैं a का वैल्यू आया है 1, तो हम लोग बोलेंगे 1 बाय 1 प्लस b प्लस b का वैल्यू क्या है -1 बाय b के नीचे पे टर्म क्या है 2 प्लस t ये हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के साथ में ले लूं तो क्या हो जाएगा, इतना टर्म इसको इतना लिया था और अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा t। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 1 plus t dt और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 by 2 plus t dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 by x का क्या होता है log x log 1 plus t और माइनस हो जाएगा log क्या 2 plus t प्लस c, ठीक है। t का वैल्यू हम लोग लिया है क्या e टू द पावर x, तो t का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा log 1 plus e टू द पावर x minus log 2 plus e टू द पावर x plus c, और हम लोग फार्मूला जानते हैं log m minus log n क्या होता है, log m minus log n equal to log m by n, log m by n, m by n होता है, ये फार्मूला है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log of 1 plus e to the power x by 2 plus e to the power x
ठीक है, प्लस सी, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं।